एक्सेल का एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि एक्सेल को और भी खास बना देता है, वो है काउंट इफ्स। अच्छा, इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब एक इफ, काउंट इफ, एक इफ की बात कर रहा है, यानी एक कंडीशन दे सकते हैं। और इफ्स का मतलब, इफ्स का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, प्लूरल हो गया ना, एक से ज्यादा कंडीशन भी दे सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यही देखेंगे कि काउंट इफ्स फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट यहां पे देख सकते हैं, स्टार्ट करने से पहले यहां पे नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ, ये पोस्ट का नाम है, कैशियर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई मैनेजर है, ठीक है। और यहां पर उनका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर उनकी सैलरी दी गई है, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, नेम ऑफ पोस्ट कोई भी आप ले लीजिए, कौन सा ले लें, जो कहिए वो ले लेते हैं। तो सपोज कीजिए मैं कैशियर ही ले लेता हूं, तो ये कॉपी किया मैंने और यहां पे रख दिया इसको, ठीक है। और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 1990 ही होना चाहिए, तो मान लीजिए यहां पे 1990 रख दिया, ठीक है। और अब देखिए सिंगल कंडीशन और मल्टीपल कंडीशन, यहां पे सैलरी भी लिखे ही लेते हैं, 10,000 वाली सैलरी जिनकी हो उनकी बात कर लेते हैं हम। तो यहां पे ये भी हमने दे दिया, सैलरी भी दे दिया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सैलरी भी आ चुकी है। अब यहां पर हम फॉर्मूला वो यूज करेंगे, तो फॉर्मूला यूज कैसे होगा, सबसे पहले इज इक्वल टू लगा लीजिए और यहां लिखिए COUNT काउंट IFS काउंट इफ्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। अब यहां पर कह रहा है क्राइटेरिया, सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज 1 कह रहा है, तो क्राइटेरिया ये हमारी हो जाएगी, हेडिंग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, पहले से सेलेक्ट कर रखा है हमने, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग पहले मैंने दिया है, इसके वजह से हेडिंग देने की जरूरत नहीं। अब क्राइटेरिया तो हो गया, अब कॉमा देना है, ठीक है, और क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। अब क्राइटेरिया क्या देना है, अब इसमें हम खोज क्या रहे हैं, तो हम कैशियर को खोज रहे हैं, कैशियर की डिटेल देखना चाहते हैं, कॉमा देंगे। अब फिर क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी ये हो जाएगी, हेडिंग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऊपर पहले से दे रखा है मैंने, आप देख ही सकते हैं, ये हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्राइटेरिया रेंज 2 तो हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ हमको ये वाला चाहिए, 1990 की बात कर रहे हैं हम, जिनका जन्म हुआ हो 1990 में। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स आपको कॉमा देना है, कॉमा दे दिया। अब हम ये भी चाहते हैं कि 10,000 रुपया वो सैलरी पाते हो, तो सैलरी वाली पूरी रेंज आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब तीसरी रेंज की बात कर रहे हैं हम, 2, 3, 4 जितना लगाना हो लगा लीजिए रेंज। तो यहां पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 3 आ रहा है ना, अब यहां पर क्या करना है, कॉमा दे देना है। कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सैलरी को सेलेक्ट कर लेना है। यहां पर सैलरी हमने सेलेक्ट किया ना, ये सैलरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और अब बारी है एंटर करने की, तो चलिए एंटर भी कर देते हैं। तो दो लोग कैशियर ऐसे हैं जिनका जन्म हुआ है 1990 में और जिनकी सैलरी 10,000 है, चलिए ये देखते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं इनका जन्म 1990 में हुआ है और सैलरी इनकी कितनी है, 10,000 रुपए है कि नहीं, देख लीजिए। फिर यहां पर आते हैं, ये कैशियर जरूर है लेकिन इनकी सैलरी 10,000 नहीं है और इनका जन्म भी 1990 में हुआ है, तो इसको ये नहीं लेगा। फिर आते हैं यहां पर, ये जो कैशियर है इनका जन्म हुआ है 1990 में और इनकी भी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपए है मात्र, तो यहां पर इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो यही दो इसमें कंडीशन इसको मिला, तो इसने आंसर दे दिया। अब देखिए इस फॉर्मूले का कमाल, यहां पर मैं कैशियर नहीं चाहता, मैं देखना चाहता हूं अकाउंटेंट, तो यहां आप हाथ से टाइप कर दीजिए, ध्यान रखें कि स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा, तो यहां पर अकाउंटेंट कर देता हूं, ठीक है, ये लिख दिया अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट 1990 वाला तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लिखा ही नहीं है कोई 1990 वाला, एक है 1990 का, तो चलिए अगर अच्छा सैलरी की भी बात करें तो 10,000 सैलरी भी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर एंटर करता हूं तो यहां पर एक कंडीशन इसको मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि एक लोग अकाउंटेंट ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10,000 है और जिनका जन्म कब हुआ था, 1990 में हुआ था। तो यहां पे देख सकते हैं, चलिए चेक करते हैं, तो अकाउंटेंट यहां पर एक अकाउंटेंट है लेकिन इनका जन्म हुआ है 1992 में और सैलरी भी इनकी ज्यादा है, ठीक है। फिर यहां पर आते हैं, तो ये इनका जन्म हुआ है 1993 में, हालांकि सैलरी 10,000 जरूर है, लेकिन यहां पर आते हैं तो ये देखिए अकाउंटेंट है, 1990 में जन्म हुआ है और सैलरी इनकी 10,000 है। तो कुछ इस तरह से आप जो है इसको कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी है और एक बार आप इसको समझ जाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज करने में बड़ा मजा आएगा। अब देखिए इसी तरह से अब मैनेजर की बात कर लेते हैं, यहां पर मैं चेंज करता हूं, कंडीशन चेंज कर रहा हूं, यहां पे लिखा मैंने मैनेजर, ये लिख दिया मैनेजर लिख दिया, और जन्म कब हुआ हो, अब जन्म भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैनेजर इसमें कोई है तो यहां पे एक ही है, तो 1992 कर लेते हैं, इसमें तो मैच ही नहीं करेगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं देगा ये, तो यहां पे आ गया एक,
ठीक है, और इनकी भी सैलरी कितनी है 10,000 ही है। तो इस तरीके से आप ये काउंट इफ्स फॉर्मूले का यूज बड़े ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 1990 दे देते हैं तो क्या होगा, 1990 वाला है ही नहीं इसमें तो मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप काउंट इफ्स फॉर्मूले का भी बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया कंडीशन ये सब दे सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।